मंथन हब जो आपको हमेशा मंथन करने में मदद करे। आज हम उस इंस्पायरिंग युवा से सुनेंगे अमेजिंग बेनिफिट्स ऑफ डायनेमिक लाइफस्टाइल, जिसने अपनी अद्भुत वैदिक मेमोरी तकनीक और ब्रह्मचर्य के बल पे लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा दिया। जी हाँ दोस्तों, आज हमारे बीच बोलने आ रहे हैं वैदिक मेमोरी मास्टर वीरेंद्र मेहता। उनका सपना है हर यंगस्टर वैदिक मेमोरी से मेमोरी मैन बने। सिर्फ इतना ही नहीं, पूरी दुनिया में ब्रह्मचर्य के महत्व को फैलाना भी उनके मिशन में है। आज के समय में देश भर के बड़े बड़े वर्कशॉप में एज ए ट्रेनर उनको इन्वाइट किया जाता है। पहले टेस्ट करते हैं उनकी मेमोरी और जानते हैं उनकी कुछ खास और अचीवमेंट। उसके बाद हम सुनेंगे टीम मंथन हब के लिए उनका खास संदेश। जोश के साथ इस वीडियो को एंड तक देखें। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव और स्वागत आप सभी का आज के हमारी इस विशेष प्रस्तुति सुदर्शन विशेष में। आज के इस कार्यक्रम में अपने कार्यक्रम के नाम के हिसाब से हम एक ऐसे व्यक्तित्व को आपके सामने लेकर आए हैं जिससे मिलकर, जिसके बारे में जानकर, जिसकी कथाएं सुनकर, जिसकी उपलब्धियां जानकर आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, प्रेरणा मिलेगी आपको। आपको लगेगा कि हम वो तमाम चीजें कर सकते हैं जिनके बारे में हम सिर्फ ख्वाब देखते हैं, कल्पना करते हैं। वीरेंद्र मेहता देश के उन गिने चुने लोगों में से एक है जिन्हें अंग्रेजी पत्रिका द वीक ने भारत के 25 अद्भुत व्यक्तियों की सूची में शामिल किया। जिन सज्जन के साथ यहाँ स्टूडियो में बैठे हुए हैं वो एक चमत्कारिक व्यक्ति है कई मामलों में, और इनसे हम सभी बहुत कुछ सीख सकते हैं। हमारे स्टूडियो में इन्होंने कुछ चीजें करके दिखाई जो किसी जादू से कम नहीं थी। अगर आप सामान्य भाषा में समझें और देखें तो वो जादूगरी थी। ये दिखाते हैं आपको कैसे। ऐसी शख्सियत से आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं जिन्हें अगर हम शब्दों का इंजीनियर कहें तो शायद गलत नहीं होगा। चलिए तो स्वागत करते हैं हरियाणा के पानीपत से आए वीरेंद्र मेहता का। छोटा सा हम आपको यहाँ पर एक एग्जांपल देना चाहेंगे। जैसे ये सफेद कागज में अगर आपको दिखाऊं तो इसके जरिए जो है हम आपको एक ऐसी तस्वीर यहाँ पर दिखाएंगे जो वाकई में वीरेंद्र जी के दिमाग की जो सोचते हैं, जो स्टोर करते हैं, वो कैसे कर लेते हैं, उसका एक छोटा सा उदाहरण आपको दिखाएंगे। ये पेज आप जो मेरे हाथ में देख रहे हैं ये 1 to 10 यहाँ पर नंबर्स लिखे हुए हैं, और अगर आप देखें तो यहाँ पर 1 1 2 2 3 3 इस तरह से सीरियल जो है नंबर्स लिखे हुए हैं। अब आप सोचेंगे कि 1 1 दो बार क्यों लिखा हुआ है। चलिए मैं आपको बता देता हूं। जो पहली रो है आप देखिए यहाँ पर पहली रो है जो ब्लैंक है, उसमें मैं कुछ नंबर्स बोलूंगा जो 2 डिजिट के होंगे, वो वीरेंद्र जी यहाँ पर लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ 3 9, तो वीरेंद्र जी यहाँ लिखेंगे 3 and 9। उसके बाद ये एक बॉक्स छोड़ेंगे, उसके बाद मैं दोबारा 2 डिजिट का नंबर बोलूंगा, उसके बाद फिर एक बॉक्स छोड़ करके ये 2 डिजिट लिखेंगे। इस तरह से हम पूरे यहाँ पर डिजिट्स फिल करेंगे। ये क्रम हम चलाते जाएंगे 8 नंबर तक। उसके बाद हम डिजिट लिखने के ये उसको एक बार रीड करेंगे, देखेंगे क्या डिजिट्स यहाँ पर भरी हुई हैं। आफ्टर दैट हम एक स्ट्रिप लेंगे, उस स्ट्रिप को जो है इस तरह से इस पूरे को इससे कवर कर दिया जाएगा, यानी कि आपकी एक लाइन जो है वो कवर हो गई। उसके बाद हम जो दूसरा नंबर 1 लिखा हुआ है इस तरह से हम नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 सब को कवर कर देंगे। उसके बाद जब हम पूरे इस चार्ट पे स्ट्रिप्स लगा देंगे तो वीरेंद्र जी जो है उसको खुद यहां पर जो इस लाइन में लिखा होगा, जो ढका हुआ होगा स्ट्रिप से, उसको बिना देखे अपने दिमाग से जो इन्होंने स्टोर किया है अपनी मेमोरी में उसको यहां पर इस चार्ट पर उकेर देंगे। सही वीरेंद्र जी? एग्जैक्टली। तो चलिए का ये नंबर होगा जिसे मैं पहले लिखूंगा और फिर उसको मेमोराइज करूंगा। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं वीरेंद्र जी। सो शुड वी स्टार्ट? ओके, यस यस, फर्स्ट नंबर या 39 39 39। इस पूरी लाइन में एक डिजिट्स लिखे हुए हैं कुछ इसी तरह से सेम सेकंड लाइन में डिजिट, यहां से लेकर हमने 8 नंबर तक डिजिट्स लिखे हैं। अब वीरेंद्र जी जो हैं इन डिजिट्स को याद करेंगे, उसके बाद इन डिजिट्स को हम एक शीट से कवर कर देंगे। तो वीरेंद्र जी क्या आप तैयार हैं? यस, मैं तैयार हूं जी। और अब आप स्टॉप वॉच से प्लीज टाइम नोट कीजिएगा तो मैं कितना समय इस मेमोराइजिंग में लूंगा। तो हम अपने स्टॉप वॉच में ये यहाँ पर टाइम रिकॉर्ड करेंगे कि कितने समय में इन्होंने नंबर्स को याद किया है
और फिर ये भी हम रिकॉर्ड करेंगे कि कितने समय में ये इन नंबर्स को यहाँ लिखते हैं। तो वीरेंद्र जी, क्या आप तैयार हैं? तो शुरुआत करें जी। आपका समय शुरू होता है अब। तो वीरेंद्र जी ने 40 सेकंड के समय में यहां पर जो है शब्दों को याद किया है। ध्यान से सुनिएगा, मात्र 40 सेकंड में। अब हम स्टेप्स लेंगे और जो डिजिट्स हमने लिखे हैं उनको यहां पर कवर कर देंगे। तो आपने देखा कि हमने जो सारे डिजिट्स हैं वो सब कवर कर दिए हैं। अब यानी कि वीरेंद्र सिंह जी को यहां पर कुछ नहीं पता है, ये इन्होंने हमने जो कवर कर दिया है। और अब ये इन डिजिट्स को जो ऊपर लिखी हुई थी, जो इन्होंने लर्न की थी, अब ये उसको बिना देखे यहां पर लिखेंगे। आप देखिए कि ये जो नंबर्स हैं वो लिखे हुए हैं। उससे पहले हम आपको दिखाएंगे कि जो नंबर्स हमने पहले लिखे थे वो रेड उसमें लिखे हुए हैं, और जो नीचे के नंबर्स अब वीरेंद्र मेहता जी ने दोबारा लर्न कर लिखे हैं वो ब्लैक में लिखे हैं। तो वीरेंद्र जी, क्या आप तैयार हैं? यस यस यस। ओपन करें, अपने दर्शकों को दिखाएं जरा क्या कुछ यहाँ पर आपने किया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले और चेक करेंगे वन बाय वन कि आपने डिजिट्स को सही लिखा है या नहीं। चलिए पहले डिजिट्स की जो पहली लाइन है उसको चेक कर लेते हैं। वीरेंद्र जी, ये तो वाकई में आपने कमाल कर दिया है। 39 हमने डिजिट जो है पहली बोली थी, और वाकई में उसके नीचे आप देखेंगे कि 39 ही यहां पर लिखा है। आप जरा गौर से देखिए, जो परतें खुलती जा रही हैं वो सारी आपके पक्ष में जा रही हैं। ऐसा कैसे हो गया वीरेंद्र जी? दिस इज द पावर ऑफ फॉर्म। चलिए लास्ट डिजिट खोल लेते हैं, क्या है इसमें। चलिए एक और यहाँ पर सस्पेंस रह जाएगा। नहीं, आप पास हो गए वीरेंद्र जी, हमारे इम्तिहान में आप पास हो गए। 0 5 6 9 4 0 6 0 0 1 1 9 8 0 9 4 4 9 5 9 9 4 2 1 8। नमस्कार, मैं वीरेंद्र मेहता सभी व्यूअर्स का स्वागत करता हूं इस नए वीडियो में, जिसमें एक्चुअली मैं लाइफस्टाइल को डिस्कस करने वाला हूं कि हमारा जो लाइफस्टाइल है वो कैसा होना चाहिए। इससे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगा मंथन हब यूट्यूब चैनल का, जो कि इतने पावरफुल वीडियोस इस वर्ल्ड में सबके सामने, सब पूरी यूथ के सामने प्रोजेक्ट कर रहा है, जो कि हाईली बेनिफिशियल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा लाइफस्टाइल।